क्या बना दे तूने माइक का। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं पहाड़ों को देखने के लिए आई हूँ। मैंने अमरदीप सर से भी पूछा था, लेकिन सर ने बोला कि तुम वहाँ जाके ही देखना कि किस तरह से लोग रहते हैं। तो हम लोग कल गए थे और परसों भी। मैंने परसों हम लोग एक घर में गए, वहाँ पर एक दादी जी थी जो सिर्फ अकेली रहती थी। हम लोगों ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने हम लोगों को ऐसा नहीं माना कि भाई ये लोग अलग हैं, हम इन लोगों को अपना घर में कैसे घुसा सकते हैं। उन्होंने हमारा बहुत आदर भी किया। फिर हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप लोग मतलब यहाँ का रोज़गार क्या है, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास गायें और बकरी है जिनको हम पालते हैं। हमने देखा कि यहाँ की गायें और हमारे वहाँ की गायें में फ़र्क है। यहाँ की गायें बहुत छोटी छोटी होती है क्योंकि यहाँ पर लोग उनको सुबह छोड़ देते हैं चरने के लिए और फिर शाम को लेके आते हैं, तो जो बड़ी गायें होती है वो चढ़ नहीं पाती पहाड़ों पर, तो इसलिए छोटी गायें रखते हैं लोग। उनका नाम बद्री गाय भी रखा है। और बकरियों को ये लोग सिर्फ अपने रोज़गार के लिए यूज़ करते हैं, ना ही तो ये लोग उनका दूध निकालते हैं और उनको सिर्फ रोज़गार के लिए यूज़ करते हैं। फिर हम लोग कल महावड़ मंदिर में गए, वहाँ पर हमने एक पहाड़ देखा जो हाथी की शेप में था, वो बहुत ही प्यारा लगा। थैंक यू एवरीबॉडी।